तुझे बुरा लग रहा है? क्यों बुरा लगेगा मुझे? मैं तो ये चाहता था उसे एक अच्छा लड़का मिल जाए। और तुझे लगता है ये अविनाश झनक को डिजर्व करता है? शायद हाँ। तुम तो बहुत खुश हो ना, तुम्हारे रिश्ते का सबसे बड़ा पत्थर चला जाएगा। वैसे उन लोगों में गाय हुलूद की रस्म नहीं होती, हम ही लड़के वालों की तरफ से हल्दी ले आते हैं। हाँ। हल्दी की रस्म तो हो गई है, लेकिन झनक एक रस्म होनी बाकी है। कुरी पे अपना राव रख के उसे तोड़ो और बोलो, आमी अमार आई बुरो नाम गोछालाम। इसका मतलब मैं आज से अपना कुंवारी नाम मिटा रही हूं। बोलो, आमी अमार आई बुरो नाम गोछालाम। छोटन, मैं कमरे में जा रहा हूँ, शर्ट खराब हो गई है, नहा लेता हूँ। हाँ हाँ, तू जाके नहा ले, तुझे हल्दी लग गई है ना? हाँ हाँ, रसम तो हो गई, तू जा। हाँ तो आप खुश क्यों हो रहे हो? नहीं नहीं, मेरा मतलब हो गई ना हल्दी, हल्दी तेरे ऊपर गिरी, वही हल्दी चनक के लिए इस्तेमाल हुई। जब तक शादी पूरी नहीं होती, अविनाश भैया अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाएंगे। और इस रस्म को लेकर वो बहुत सीरियस है। और हाँ, ये बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ ताकि शादी के वक्त कोई सवाल ना करे। मैंने आपके दिए तोहफे पहने, आपकी दी हुई साड़ी, आपके दिए ये गहने, मंडप में जाने से पहले आपके पांव छू के आपका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ सर जी। बहुत खुश होगी ना तुम? खुश क्यों नहीं होंगी? एक बेसारा लड़की को इतना अच्छा घर मिला है, परिवार मिला है, तो खुश क्यों नहीं होंगी? जिंदगी भर यही सपना लेके जी रही थी तुम, है ना? बाकी सब झूठ था कि तुम्हें कुछ बनना है, अपना करियर बनाना है, सब झूठ था। तुमने सब कुछ सिर्फ मुझे इंप्रेस करने के लिए कहा था कि लाइफ में कुछ बनना चाहती हो, और मैं भी बेवकूफों की तरह तुम्हारी लाइफ को बनाने चला था। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।